हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज के वीडियो लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं। अपने मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, अगर आप भी मेरी तरह किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं आज की वीडियो के एंड में आपको एक बुक सजेस्ट करने वाली हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, उस पार्ट को आप देखना चाहते हैं या नहीं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, चलिए शुरू करते हैं। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, यू आर अ बिग शॉट, या फिर यू आर अ बिग गन, या फिर यू आर अ बिग नॉइस। देखिए, कई बार हम किसी को कहते हैं मैं तो बहुत ही मामूली सा आदमी हूँ, यानी कि आप कहते हैं कि मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ। जितनी आप तारीफ कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ स्मॉल फ्राई, या फिर आई एम अ स्मॉल फिश, या फिर आई एम अ स्मॉल नॉइस। एक बात सदा के लिए गांठ बांध लो, यानी कि आप किसी को कहते हैं कि इस बात को हमेशा याद रखना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट मेक इट अ पॉइंट। आपको गलत फहमी हुई है, यू आर अंडर अ रोंग इम्प्रेशन। थोता चना बाजे घना, ये एक मुहावरा है, इंग्लिश में कहे तो ईडियम। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब कोई किसी इंसान में कम ज्ञान होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, या फिर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखावा करना, तब हम कहते हैं थोता चना बाजे घना। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। एम्प्टी मीन्स खाली, वेसल्स मीन्स बर्तन। कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ अच्छा किया हो या किसी की कोई बात अच्छी लगी हो तो आप कहते हैं क्या बात है आपकी, या फिर मान गए आपको, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू। वह बहुत ही जिद्दी लड़का है, ही इज अ पिग हेडेड बॉय। पिग हेडेड मीन्स जिद्दी। अकल की बात करो, टॉक सेंस। मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है, आई हैव टोल्ड यू ऑफन। बड़े लोग बड़ी बातें, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। अब मैं जिस बुक की बात कर रही थी उस बुक का नाम है आनंद मठ। ये एक नोवेल है और अब तक ये बहुत सी भाषाओं में पब्लिश हो चुका है। इसके हिंदी और इंग्लिश संस्करण का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसे 1882 में पब्लिश किया गया था। इसमें 1175 में बंगाल में पड़े अकाल के बारे में बताया गया है, और इसमें सन्यासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए विद्रोह के बारे में भी बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपको लगता है या नहीं, कि इस बुक को सभी को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।